नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी पूरी वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ के या फिर बिना किसी एफडी के, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है आप किस तरह से ले सकते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, इसका जो एनुअल फीस है वो भी आपको यहाँ पे जीरो रहने वाला है। वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है जहां से आप अपना कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसको बना सकते हैं। इसके बेनिफिट भी आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इसकी एनुअल फीस और रिन्यूअल फीस है आपकी यहां पर जीरो है, लगने वाली है। इसके अलावा आपको इसके और भी बेनिफिट है वो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि इसमें आप अप टू 5000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अपने फ़ोन से इसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए गेट योर कार्ड नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर ही आपको यहाँ पे एंटर करना है। नीचे जो टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं उसको आपको यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद में आपको वापस गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिए हैं उस पर एक ओटीपी आता है जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। ओटीपी आप जैसे ही आप पे एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपको नीचे वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है जहाँ पे आपको जो अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो उसका जो CRN नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट के साथ में ही आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे एंटर करनी रहेगी, या फिर आपका जो ईमेल आईडी है वो कोटक महिंद्रा के साथ रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तीनों में से जो भी डिटेल आपके पास अवेलेबल है, CRN नंबर, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, आप उसको एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। स्क्रॉल डाउन करने बाद में आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं इसको आपको यहाँ पे ओके करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे वापस एक ओटीपी आता है, या फिर आपकी ईमेल आईडी पे वापस एक ओटीपी आता है जो कि आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो OTP एंटर करके जैसे ही आप यहां पे सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहां पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कार्ड है वो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरे को ये जो रेगुलर कार्ड है वो यहां पे ऑफ़र किया जा रहा है, जिसकी जो एनुअल फीस है और जो इसकी ज्वाइनिंग फीस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ₹0 आपकी यहाँ पर लगने वाली है। इसी के साथ में नीचे इसके जो बेनिफिट है, जो इस कार्ड के आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर इसके अंदर मिलने वाले हैं, ये आप सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे FD ब्लॉक क्रेडिट कार्ड है वो भी आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है रेगुलर कार्ड के साथ में ही। अगर आप यहाँ पे FD ब्लॉक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने जो FD ब्लॉक क्रेडिट कार्ड है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे ₹0 की जो एनुअल फीस है, ज्वाइनिंग फीस है वो लगने वाली है। टर्म एंड कंडीशन को आपको ओके करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। परंतु अगर आप यहाँ पे रेगुलर कार्ड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेगुलर कार्ड के ऑप्शन पे वापस से क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते ही आपके जो बैंक के अंदर आपकी जो बेसिक डिटेल दी हुई है वो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाती है, जिसको आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना है। अगर इसको आपको एडिट करने की ज़रूरत लग रही है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी जो बेसिक डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका पैन कार्ड नंबर है, आपका जेंडर है, वो आपको इस सामने ऑटोमेटिकली फेच होकर आ जाता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे आपका जो ऑक्यूपेशन है इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपका जो कंपनी का नाम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने वापस एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आपकी मदर का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका मेटेरियल स्टेटस आपको यहाँ पे सिंगल या मैरिड है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। रेजिडेंशियल एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटो फेच हो जाता है, जिसको आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर इसके अंदर एडिट की जरूरत है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने वापस एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपका जो ऑफिस का एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जहाँ पे भी रेड स्टार है लगे हुए हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे मैंडेटरी फिल करनी है, अदरवाइज बाकी ऑप्शन आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। जैसे ही आप अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है एम्प्लॉयमेंट का वो आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने वापस एक नया पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या नाम लिखवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। आपका रेजिडेंशियल एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपका एड्रेस नीचे आपको यहाँ पे मैनुअली एंटर करना रहेगा। उसके बाद में नीचे जो भी टर्म एंड कंडीशन दी गई है इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वापस से नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने वापस एक नया पेज आया वो आ जाता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो चुका है। इसका एप्लीकेशन नंबर अभी आपको यहाँ पे मिल चुका है। इसको आप यहाँ पे क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका स्टेटस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आपका जो क्रेडिट कार्ड है इसको आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। 5 से 7 दिन के अंदर ही आपका ये जो क्रेडिट कार्ड है आपके जो भी एड्रेस आपने दिया है वहाँ पे हार्ड कॉपी इसकी डिलीवर्ड हो जाती है। इसके बाद में इसको आप यहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी वीडियो केवाईसी करके बिना बैंक जाए आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट है उसको आप यहां पे ओपन कर सकते हैं, जो कि आपका यहां पे लाइफ टाइम है, जीरो बैलेंस पे रहने वाला है। बहुत ही आसानी से ये अकाउंट यहां पे आप ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट के साथ में ही आपको डेबिट कार्ड है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।